लास्ट लेक्चर में लास्ट दो लेक्चर में हम लोग ने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको हम तलब पढ़ा था। हमने उनकी पहले इम्पोर्टेंस देखी, इम्पोर्टेंस देखने के बाद उन्होंने टाइप्स देखी, उनके लेवल्स देखे, उनके और जो चैनल सिलेक्शन के जो थे कंसिडरेशन थी वो वाली देखें। आज हम उससे आगे जो है वो मूव करते हैं। चैनल जब आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने जा रहे होते हैं या सिलेक्ट करने के बाद कुछ डिसीजन हैं जो मेजर डिसीजन जो आप लोग लेते हैं वो डिसीजन आप इस लाइन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिलेक्टिंग चैनल मेंबर्स। आपने जो से भी चैनल मेंबर अपने सिलेक्ट करने हैं उसको हम डिटेल से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपने उसको प्रॉपर जाँच पड़ताल करके आपने जो है चैनल मेंबर अपना सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका चाहे वर्टिकल आपके वर्टिकली चाहे आपके अपवर्ड यानी जो आपका सप्लायर है या जो आपका कस्टमर है जो कि आपके चैनल मेंबर का जो पार्ट है जो जो चैनल का हिस्सा है वो अगर वो उसकी रेपुटेशन ख़राब है, उसका ब्रांड इमेज अच्छा नहीं है, इस केस में वो आपके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। आप जो चैनल मेंबर सेलेक्ट करें उसको विद ड्यू डिलीजेंस विद ड्यू कंसिडरेशन जो है ना आपने चैनल मेंबर सेलेक्ट करने हैं, या सिर्फ जो ना एवं रैंडमली नहीं सिलेक्ट कर लेना, प्रॉपर जांच पड़ताल करके करना है। ट्रेनिंग चैनल मेंबर्स, आप जो भी चैनल मेंबर अपने सेलेक्ट करें चूज करें तो उनकी जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उनको रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। ट्रेनिंग आमतौर पर होती है आपके उस इंडस्ट्री में उस बिजनेस में जिसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व ज्यादा हो या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हो, जैसे जो है जब बायोमेट्रिक सिम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था कि बायो सिम में अपने बायोमेट्रिक करवाएं, पहले से सिंपल आईडी कार्ड के बेस पे जो है ना वो सिम्स इशू हो जाती थी वगैरह। जब बायोमेट्रिक डिवाइसेस आई तो जो है एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो जितने भी रिटेलर्स थे उनको दी गई कि ये हमारी डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को ये तरीका है यूज करने का, आपने सिम नई इशू करनी है उसका यह तरीकाकार है, आपने डुप्लीकेट सिम इशू करनी है उसका यह तरीकाकार है, आप कोई बंदा वैसे आपसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है उसका यह तरीकाकार है वगैरह वगैरह। जितने भी आपके चैनल मेंबर्स हैं उनको आपने ट्रेन करना है, ये मैंने आपको सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। उसके बाद है मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स, कि आपने अब एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के बाद मोटिवेट भी करके रखना है कि वो आपके डिजायरेबल जो है ना आपके डिजायरेबल आउटकम्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प आउट करें। अच्छा, मोटिवेट करने ने के हवाले से डिफरेंट आपका जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो जिसने चैनल में अपने चैनल्स या चैनल मेंबर सेलेक्ट करने हैं उसको डिफरेंट किस्म की पावर है। पहले मैं पावर जो वो पावर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा, अभी जो है मैं पहले ये नीचे वाले दो पॉइंट्स बता के नेक्स्ट स्लाइड में ये जो मोटिवेटिंग चैनल मेंबर है इसके हवाले से और चीज़ नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद है एवेल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स, कि जब आपने चैनल मेंबर सेलेक्ट कर लिए, ट्रेन कर लिया, मोटिवेट कर लिए तो उसके बाद जो है आपने साथ साथ उनको एवेल्यूएट भी करना है कि जो मैंने चैनल्स के सिलेक्शन के हवाले से जो स्टार्ट में गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव में मीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, मेरी कितनी सेल है जो किस चैनल के जरिए हो रही है, कितने जो क्लेम्स हैं वो किस चैनल के जरिए आ रही हैं, कंप्लेंट्स किस चैनल की है आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने एवेल्यूशन भी साथ साथ आपने करते जाना है। अगर आप एवेल्यूशन नहीं करेंगे तो आप रिजिड हो जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, फंस जाएंगे आप एक जगह पे। उसके बाद है मॉडिफाइंग चैनल मेंबर्स, आपके जो आपने चैनल्स सेलेक्ट कर लिया या चैनल मेंबर्स आपने सेलेक्ट कर लिए लाजमी नहीं कि आपने बाकी अपनी सारी उम्र उन्हीं चैनल मेंबर्स के साथ गुजारनी है, आप उनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उनमें से जो गैर जरूरी चैनल मेंबर्स हैं उनको आप माइनस कर सकते हैं, या कोई ऐसे चैनल मेंबर्स हैं जो कि आपके उस चैनल सिस्टम का वैल्यू डिलीवरी सिस्टम का हिस्सा होने चाहिए थे वो नहीं थे, उनको आप उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं अपने जो है ये चैनल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, आप इस तरीके से अपने जो है ना मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने, या करना चाहिए आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये चैनल पावर के हवाले से चीज़ थी जो मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि मोटिवेट करने के हवाले से कि जी आप अगर कंपनी पॉलिसी या कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं चैनल मेंबर्स के हवाले से वो पूरे करवाना चाह रहे हैं तो आप कस्टमर जो आपका चैनल मेंबर है उसको मोटिवेट रखना चाह रहे हैं तो आपको बस डिफरेंट किस्म की पावर है आपके पास एज ए मैन्युफैक्चरर। पहली जो पावर है आपके पास वो है कोर्सिव पावर। कोर्सिव बोलते हैं बेसिकली आपका जोर जबरदस्ती, धोस
उसको बोलते हैं। आप कहते हो कि जो रिटेलर है या होलसेलर है डिस्ट्रीब्यूटर दरमियान में इन्वॉल्व है, आप उनको कहते हो कि ये काम करो ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रमोट करो या इतने की चीज़ सेल करो वगैरह वगैरह, वरना मैं आपसे जो ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा, मैं आपको अपनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं कोर्सिव पावर। यू थ्रेटेंड दम के जो है ना, आप उनको थ्रेट करें कि अगर तो आप इस तरीके से काम नहीं करोगे तो हम आपसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। दूसरा है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर ये है कि आप उनको कि आप ये काम करो ठीक है, जो है ना इस तरीके से अपग्रेड करो हमारी प्रोडक्ट्स, आकर आगे जो है ना कस्टमर को प्रमोट करो, हम इसके बदले आपको ये रिवार्ड देंगे। अच्छा, वो रिवार्ड कौन से हो सकते हैं? वो आमतौर पे होता है फाइनेंशियल रिवार्ड्स, वो डिस्काउंट्स के माध्यम में हो सकते हैं, रिबेट्स के माध्यम में हो सकते हैं, अलाउंसेस के माध्यम में हो सकते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के रिवार्ड आप जो है ना अपने चैनल मेंबर्स को ऑफर करते हैं ताकि वो आपके डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर ये होता है कि आपने जब अपने जो चैनल मेंबर्स हैं, जब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ जो टर्म एंड कंडीशन अंदर लिखी होती हैं, उस जो है वो पावर को जो आप यूज़ करते हैं, कल को अपने जो चैनल मेंबर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए या एक्ट करवाने के लिए, तो उस पावर को बोलते हैं लेजिटिमेट पावर। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो है वो मोबाइल फ़ोन की बनाता हूँ मैं, या चले मैं जो ऑलरेडी कंपनीज हैं उनकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैमसंग जो है वो मोबाइल फ़ोन बना रहा है अपने, अब सैमसंग के जो आगे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर है वो है मोबाइल जोन के नाम की एक कंपनी, वो आगे उसके सैमसंग के फ़ोन को डिस्ट्रीब्यूट करती है अक्रॉस पाकिस्तान। अब सैमसंग का और मोबाइल जोन के उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि जी आपको जो मोबाइल जब आपको अपने कस्टमर को देने हैं उसके साथ इस आपने ये एक स्पेसिफिक प्रमोशन भी आपने चलानी है कि मोबाइल फ़ोन परचेज करने के साथ आपको सेल्फी स्टिक फ्री मिल जाएगी, या आपको छोटे स्पीकर फ्री मिल जाएंगे, या आपको हैंड फ्री फ्री मिल जाएगी ये नया मोबाइल फ़ोन परचेज करने के साथ। ये चीज़ जो है आपने जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख ली, आप दोनों पार्टीज ने उस पर एग्री कर लिया। अच्छा, और जो है जो सैमसंग है उसने ये जो गिफ्ट्स हैं गिफ्ट्स आ सब प्रमोशन के टाइम के जो है ना वो उनको दे भी दिए हैं, मोबाइल जोन को प्रोवाइड कर दिए कि आप आगे जब डिस्ट्रीब्यूट करें तो बता कस्टमर को सारी चीज़ें ये भी हैंड ओवर करें। अच्छा, ये अब चीज़ लीगली बाउंड है मोबाइल जोन ये करने के लिए क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अब मोबाइल जोन कल को जब अपने सैमसंग के मोबाइल फ़ोन सेल करना शुरू करता है, वो किसी को सेल्फी स्टिक दे नहीं रहा, साथ जो गिफ्ट है वो गिफ्ट नहीं दे रहा ठीक है। अब कस्टमर को तो नहीं पता कि इस प्रमोशन का प्रमोशन आई हुई है, लेकिन उसको मोबाइल जोन को तो पता है कि ये प्रमोशन है और हमने जो है ना कस्टमर को प्रोवाइड करना है। अब सैमसंग के पास लीगल राइट है कि उन्होंने जो चीज़ कमिट की थी मोबाइल जोन ने उसको पूरा नहीं कर रहा, तो उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, उनको सू कर सकते हैं, उनको जो है ना वो जो है ना पैसों का दावा कर सकता है, हर जाने का दावा कर सकता है वगैरह वगैरह, डिफरेंट किस्म के उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसी पावर को बोलते हैं लेजिटिमेट पावर। आप बेसिकली लेजिटिमेट पावर किस लिए कि आप जो चीज़ अग्री की है उसको पूरा करो भाई। एक्सपर्ट पावर, अब आप एज ए मैन्युफैक्चरर आप पुराने इस मार्केट में काम कर रहे हैं, आपके चैनल मेंबर में कोई ऐसा बंदा है ऐसा बिजनेसमैन जिसका आपकी प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के मतलब कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप जो है उसको एज ए एक्सपर्ट डिफरेंट किस्म के सजेशन रिकमेंडेशन और आप दे सकते हैं, आप उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे अब जो है ना आप उसको कहते हैं कि अब फिलहाल मेरी प्रोडक्ट की अब सीजन आ रहा है, मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने वाली है, मुझे पता है ये हर साल इस टाइम में आकर इंक्रीज होती है, तो आप ज़्यादा परचेज कर लो। या जैसे आप मिसाल के तौर पर सिगरेट्स के प्रोड्यूसर हैं, आप सिगरेट प्रोड्यूस करते हैं, आप जो है दरमियान में जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो कमीशन एजेंट्स जो भी हैं, आप उनको कहते हैं कि अब बजट आने वाला है ठीक है, तो हर साल बजट में सिगरेट जो है ना उसको पहले से महंगा होता है ठीक है, तो आप ऐसा करें हमसे अभी स्टॉक मैक्सिमम परचेज कर लें ठीक है, जितना आपने परचेज करना है, तो ताकि बजट में आप इसको इस्तेमाल कर सकें, बजट के बाद जो है ज़्यादा महंगा इस्तेमाल कर सकें। आपका जो ये जो एक्सपर्टीज की जो ये जो लेवल है, ये चीज़ आपके जो चैनल मेंबर्स की डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं टू बाय मोर स्टॉक फ्रॉम यू एडवांस। उसके बाद है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर के एक मैन्युफैक्चरर है, अगर वो मार्केट में काम कर रहा है पहले ठीक है, कई अर्से से काफ़ी अर्से से काम कर रहा है, उसको सारा पता है इंडस्ट्री में कि
कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी, कौन सा जो इसमें वो है मटेरियल किससे अच्छा मिलेगा वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, अब हम उसी की बात कर रहे थे, सिगरेट्स की बात कर रहे थे। अब जो मैं सिगरेट का मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे सिगरेट के जो ऑल्टरनेटिव हैं, सिगरेट जो एक रवायती ट्रेडिशनल सिगरेट है उसके जो कंपटीशन में एक वो फ्लेवर सिगरेट भी आते हैं, सिगार भी आते हैं, आगे सिगार के भी मल्टीपल टाइप्स है। ठीक है, आप अपने प्रोड्यूसर को कहते हैं चलो सिगरेट तो आप हमसे परचेज कर रहे हैं, चलो आपका अगर कुछ सिगार भी चाहिए ना आपको, हम आपको एक बंदे की तरफ रेफर कर सकते हैं, वो आपको जो है ना सिगार प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आपने कुछ स्टोर बनाना है आपने, ठीक है, सिगरेट्स को स्टॉक को स्टोर करने के लिए या स्टोरेज चाहिए आपको, तो आप अपने चैनल मेंबर को बता सकते हो कि जी सिगरेट्स के स्टोर के लिए जो हॉल बनते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए फलां एबीसी कंपनी है, मैं उसको जानता हूँ, मेरा उससे ताल्लुक है, फलां एक एबीसी कंपनी है, वो आपको पूरा वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से आपको डिजाइनर को इंस्टॉल करके देगी, तो जो है ना आप उनको रेफर कर देते हो। ठीक है, दूसरे एक किसी भी ऐसी एक्टिविटी में सपोर्ट करने के लिए आप उनको रेफर कर देते हो जो कि उनके बिजनेस रनिंग के लिए उनके लिए जरूरी होती है। तो डिफरेंट किस्म की पावर्स हैं जिससे आप अपने चैनल मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट रख सकते हैं टू एक्ट इन योर डिजायरेबल वे। चैनल इंटीग्रेशन एंड सिस्टम्स, आपकी जो चैनल सिस्टम है इसमें इसकी दो तीन टाइप्स हैं, इसमें वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स हैं, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम और मल्टी चैनल सिस्टम। मल्टी चैनल सिस्टम बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का हाइब्रिड है इनका। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम से मुराद के अच्छा ये जो एक होता था इससे पहले, वर्टिकल बताने से पहले एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम होता था, उसमें ये था कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और रिटेलर है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये तीन ही मैक्सिमम जो है ना हमारे पास पार्टीज इन्वॉल्व है हमारे चैनल के अंदर। अब ये तीनों पार्टीज इंडिपेंडेंट होती थी, एक का दूसरे से कोई खास लिंक नहीं था होता, एक को एक एक जो चैनल मेंबर है वो दूसरे की पॉलिसीज का, दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स का वो खास तौर पर कोई रिस्पेक्ट नहीं था करता। तीनों की कोशिश ये होती थी कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, दूसरा बाहर में जाता जाए, ठीक है, दूसरे का बिजनेस बंद होता हो जाए मुझे उससे कोई जो है गरज नहीं है। जैसे इसकी एग्जाम्पल दूँ, ये पहले रिटेलर ये कह सकता कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ महंगी से महंगी बेचूँ, ठीक है, इससे कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है होती रहे, ठीक है, मुझे उससे कोई गरज नहीं, रिटेलर कहता है कि मुझे सिर्फ अपने मुनाफे से गरज है। ये आपका रवायती मार्केटिंग सिस्टम था, लेकिन वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है उसके कंट्रास्ट है, इसका कंट्रास्ट है, वो बेसिकली कहते हैं कि जी आपके जितने भी चैनल मेंबर्स हैं वो आपस में लिंक्ड होने चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स उनके गोल्स आपस में लिंक्ड होने चाहिए, किसी एक बंदे की जो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से, पर्टिकुलर अप्रोच की वजह से बाकी चैनल मेंबर्स की जो रेपुटेशन है या उनके जो बिजनेस है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इसकी ये जो इसको बेसिकली उनके अंदर आपस में अलाइंड होनी चाहिए चीज़ें। ये आपका वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है। इसके अगर तीन टाइप्स हैं, कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम और कंट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स। कॉर्पोरेट मार्केटिंग सिस्टम से, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम से मुराद है कि एक ही कॉर्पोरेट है, एक ही अम्ब्रेला, एक ही कंपनी है, वो प्रोड्यूस भी खुद ही कर रही है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही कर रही है और एंड पे कस्टमर को सेल भी खुद ही कर रही है। जैसे मैं जो है वो शूज बनाता भी खुद हूँ, बनाने के बाद उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है दरमियान में, ट्रांसपोर्टेशन भी मैं अपनी ही कन्वेंस अपनी ही गाड़ी पर करता हूँ और अपने ही आउटलेट्स पे जाके आगे सेल करता हूँ उसको, तो ये मेरा कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है कि इसमें बाहर की कोई एंटिटी इन्वॉल्व ही नहीं है, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग की सारी एक्टिविटीज एक ही अम्ब्रेला के अंडर हो रही है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें होता है कि जो मैं फॉर एग्जाम्पल चीज बनाता हूँ, शूज बनाता हूँ, अब एक दूसरा बिजनेस है, दूसरा बिजनेस मिसाल के तौर पे अब्दुल कुदूस का है। अब्दुल कुदूस क्या करता है कि वो सिर्फ मेरी ही गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, मेरी जितने भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो अब्दुल कुदूस के जरिए हो रही है, ठीक है, मैं कोई और ट्रांसपोर्टर जो है ना उसको वो नहीं कर रहा, मैं यूज नहीं कर रहा। अब हमारे आपस में इस तरह के जो है ना वो बाउंड है हमारे, ऐसे हम बाउंड हैं दूसरे को जो है ना वो इतनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब तीसरा जो है रिटेलर, वो फॉर एग्जाम्पल लुकमान है, लुकमान की कोई आउटलेट है, कोई उसके जो है ना वो सेल्स आउटलेट का काम जो है ना वो लुकमान के पास है, लुकमान तीसरा बिजनेसमैन है। हम तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, जितनी मैं चीज़ें प्रोड्यूस करूंगा उतनी आगे तो दूसरा मूव करेगा,
जितनी कद्दूस मूव करेगा उतनी आगे लुकमान आगे सेल करेगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों बिजनेस अलग अलग है, ये एक ही बिजनेस नहीं है, तीनों बिजनेस मैन है, तीनों कंपनी अलग अलग है। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। लेकिन इस केस में हम लोग काम सिर्फ एक दूसरे का कर रहे हैं, हम किसी और का काम नहीं कर रहे। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल मार्केटिंग वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम से मुराद ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, हम किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग फॉर टाइम बींग हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर टाइम बींग। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाता है, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, तो अच्छा हम उसमें तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग अपने और भी बिजनेसेस से हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। अच्छा, और जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा वो जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट था उस चीज़ की जो चैनल मेंबर्स हम बिहेव कर रहे थे, वो तो हमारी जो लीगैलिटीज है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसी की मैं एग्जांपल दूँ कि जी अभी एक शूज़ वाली मैं एग्जांपल ले रहा था। मैं शूज़ बनाता हूँ, मैं डिफरेंट लोग जगहों पर जो है ना अपने शूज़ सेल करता हूँ। मैं स्कूल कॉलेजेस के जो हैं स्टोर्स हैं वहाँ पर भी शूज़ सेल करता हूँ, मैं जो है मार्केट में भी शूज़ सेल करता हूँ। अच्छा, अब रिसेंटली जी मुझे एक वो ऑर्डर आता है, ऑर्डर ये आ रहा है कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने जितने भी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको फ्री शूज़ देने हैं। अब मैं ऑर्डर मुझे आ गया, मैंने प्रोड्यूस करके प्रोवाइड भी करने हैं। अब दरमियान में अब्दुल कुद्दूस की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आ जाती है, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो है वो उस जितनी देर वो प्रोजेक्ट चल रहा है वो साथ मेरे साथ काम करेगी वो, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतनी देर तक आपने शूज़ प्रोवाइड करने हैं। अब्दुल कुद्दूस इस टाइम में मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ और लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मेरे साथ उसने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि इतने शूज़ मैं जो ना आपके वो इतनी देर तक आपको प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह आगे जो ट्रांसपोर्टेशन अब्दुल कुद्दूस के समझ आ गई, लुकमान जो आगे वो अब्दुल कुद्दूस से रिसीव करके जिन जिन स्कूलों में जितने जितने शूज़ वो आगे डिलीवर करना है वो लुकमान का काम आ गया, ठीक है। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मीनवाइल हम साथ साथ मल्टीपल जगहों पर भी काम कर लेते हैं। ये आपके तीन तरह के वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम थे। उसके बाद आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम से मुराद है कि जब आपके जो बिजनेसेस हैं आपके आपके बिजनेसेस मल्टीपल बिजनेसेस आपके सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि कोई एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस का सप्लायर नहीं है, उस सेम लेवल पे जब ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे मार्केटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। एग्जांपल ये है, अब लाहौर के अंदर जो है हम अज्यूम कर रहे थे मैकडोनल्ड जो है वो मल्टीपल जगहों पे है मैकडोनल्ड, ठीक है। वो फोर्ट कैंट में भी है, वो आपका इधर भी है, ये जो है दुबई चौक मार्केट के पास भी है, दुबई चौक के पास भी है, ठीक है। और भी मुख्तलिफ जगहों पर होगा, ठीक है, सब बाजार में भी होगा वगैरह डिफरेंट जगहों पर। अब वो मैकडोनल्ड के जिन 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 लोगों ने फ्रेंचाइज ली हुई है वो सारे के सारे आपस में वो कह लें कि एक ही बंदे के पास सारी फ्रेंचाइजीज नहीं है, मल्टीपल फ्रेंचाइजर्स हैं, वो फ्रेंचाइजी हैं, सॉरी फ्रेंचाइजर तो अकेला ही है, लेकिन जिन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है वो मल्टीपल लोग हैं, लेकिन वो सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि वो चीज़ उनको कंपनी की तरफ से मिलती है, उसको आगे उसमें मजीद वैल्यू ऐड करके बर्गर तैयार करके वो कस्टमर को दे देते हैं। इसको बोलते हैं आपका ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है। अच्छा, अब जब वो सैलरी अलग अलग है वो, तो उनका फिर आपस में ये सिस्टम कैसे बना, सवाल ये आता है। ये सिस्टम ऐसे बना कि आपने मिसाल के तौर पर आप कैंट में गए, कैंट में जाके लोअर कैंट में आपने वहाँ से कोई बर्गर परचेज किया या नगेट्स आपने परचेज की, नगेट्स के अंदर कोई मसला निकल आता है, आपको लगता है ये चिकन एक्सपायर है या कोई पुराना है या इसके अंदर कोई फॉल्ट है, तो वो सिर्फ उस कैंट वाले जो रेस्टोरेंट है उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं हो गई, मैकडोनल्ड पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ पे भी है हर जगह पे उसकी रेपुटेशन खराब हो गई। आपने आज कैंट से नहीं परचेज कर रहे, अब आप दुबई चौक वाले से भी परचेज नहीं करोगे, सब्जाजार वाले से भी परचेज नहीं करोगे, क्योंकि पीछे जो नाम है नाम तो सेम मैकडोनल्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह ये पूरा का पूरा सिस्टम है। आपने ये भी देखना है कि जो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, आप डिफरेंट जो कह लें कि सेलर्स के जरिए जो कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में आपस में लिंक्ड हैं आपस में, सब जगह सेम प्राइस सेम क्वालिटी होनी चाहिए अगर वो सेम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको हॉरिजॉन्टली मार्केटिंग सिस्टम का बताना चाहिए। मल्टी चैनल सिस्टम, मल्टी चैनल सिस्टम से मुराद ये चीज़ है कि आपकी ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपके मार्केटिंग सिस्टम्स हैं इनको जब हम कंबाइन कर लेते हैं, आप वर्टिकली भी
जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं और आप जो है ना हॉरिजॉन्टली भी चीज़ों को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो ये आपके मल्टी चैनल सिस्टम आ जाता है। अच्छा, अब इसमें ये मल्टी चैनल सिस्टम के हवाले से ये चीज़ है कि आपने जितने भी चैनल यूज़ करने हैं, आप चाहे वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के कोई भी मार्केट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या आप जो है ना हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं, उनकी आपस में इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अच्छा, आप ये नोट करेंगे कि मैं चाहे वो प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं वो बात करता हूँ उसके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रमोशन की बात करता हूँ, इंटीग्रेशन का वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग की हर एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, इंटीग्रेशन से मुराद क्या है कि जी जो मैसेज कस्टमर को एक जगह से मिल रहा है, जो प्रोडक्ट एक जगह से मिल रही है, सेम चीज़ अगर वो आपका ब्रांड दूसरी जगह से परचेज करता है, वहाँ से उसको सेम पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। अगर उसको एक जगह से अच्छी सर्विस मिल रही है, आपके ब्रांड की दूसरी जगह से अच्छी सर्विस नहीं मिल रही, एक जगह से अच्छा एक कोई और मैसेज मिल रहा है, दूसरी जगह से कोई और मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब आपके आपस में इंटीग्रेशन नहीं है। इस केस में कस्टमर कन्फ्यूज हो जाता है और कस्टमर की जो अटेंशन है आपके ब्रांड की तरफ, अटेंशन कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपके जितने भी चैनल्स आपने यूज़ करने हैं, अगर आपका एक चैनल जो है वहाँ से प्रोडक्ट की डिलीवरी 10 मिनट में मिसाल के तौर पर, तो दूसरे जो चैनल के जरिए भी 10 मिनट में होनी चाहिए। ठीक है जी, आपस में इंटीग्रेशन होनी चाहिए। एक चैनल के जरिए अगर प्राइस मिसाल के तौर पर $30 चार्ज की जा रही है, तो दूसरे जो मॉडल्स है, दूसरे चैनल हैं, उसके जरिए भी $30 ही चार्ज करने चाहिए, ताकि वो क्योंकि आप सेगमेंट एक को टारगेट कर रहे हैं, तो एक ही सेगमेंट के लिए मल्टीपल जो वो है वो प्राइसेस हैं, मल्टीपल इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। ये एक छोटा सा जो है ना वो एक ग्रिड बना हुआ है कि आपके अगर आपने हाइब्रिड चैनल यूज़ करने हैं या मल्टी चैनल आपने यूज़ करने हैं, तो आपने पहले इस चीज़ पे, इस पैरामीटर पे एनालाइज कर लेना है कि कौन सा जो चैनल है वो हमें किस हद तक सूट करता है। अब इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पे आप लोग देखें मार्केटिंग चैनल्स एंड मेथड्स, कि आपके पास जो मार्केटिंग चैनल्स के जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, नेशनल अकाउंट मैनेजमेंट है, डायरेक्ट सेल है, टेली मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन हैं सारे के सारे, जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरे एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाएं, वहाँ पे डिमांड जनरेशन टास्क है कि डिमांड से मुतलका टास्क कौन कौन से हैं। बेटर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, डिसमिनेट कम्युनिकेशन, ठीक है, रीच प्राइस एग्रीमेंट, प्लेस ऑर्डर, अक्वायर फंड फॉर इन्वेंट्रीज, अज्यूम रिस्क, फैसिलिटेट प्रोडक्ट स्टोरेज एंड मूवमेंट। बेसिकली जो डिफरेंट किस्म के जो है ना वो डिमांड्स रेलिवेंट या आपके ऑपरेशन से रेलिवेंट डिफरेंट किस्म के टास्क हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इंटरनेट है, इंटरनेट का, अच्छा मैं इंटरनेट, डायरेक्ट सेल, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इन सब चीज़ों का तो आपको बताऊंगा मैं, इसमें से सिर्फ नेशनल अकाउंट मैनेजमेंट जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि शायद आपने इसके बारे में कंफ्यूज हो जाओ। नेशनल अकाउंट मैनेजमेंट जो है इसको की अकाउंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीकाकार है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने का, जिसमें आपके कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो डेजिग्नेटेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को, वो डेजिग्नेटेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूं, अब बैंकिंग इंडस्ट्री है, अब आपका फॉर एग्जांपल यूएई में आपका कोई बैंक है, वहाँ पे आपने कुछ दो तीन कस्टमर ऐसे, दो तीन एम्प्लॉयज आपने ऐसे रखे हैं जो बड़े बड़े जो शेयर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सिर्फ उन्हीं से डील करते हैं, वो आम कस्टमर्स की डीलिंग के लिए और लोग रखे हुए हैं। लेकिन एक बंदा आपने ये दो बंदा ऐसे रखे, दो बंदे ऐसे रखे हैं जो जी हमारे चार पांच मेन कस्टमर्स हैं, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑयल रिफाइनरी हो सकती है, कोई ट्रेड कंपनी हो सकती है, कोई और कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो सिर्फ उसी को जो है ना अपनी सर्विसेज का जो है ना वो ख्याल रखते हैं। इस तरह की जो सेल का जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा आपने हर चीज़ में देख लिया कि इंटरनेट जो है उसमें जो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी क्लियरली जो वो कम्युनिकेट हो जाती है, और डिसमिनेट का मतलब होता है कि वो कितनी फैलती कितनी है वो चीज़, यानी कि उसको अगर आप उसके ज़रिए अपने प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रमोशन कितने लोगों तक, कितने कस्टमर्स तक वो जो है ना प्रमोशन पहुंच रही है। प्राइस एग्रीमेंट्स, ये चीज़ें कि जी समटाइम होता है वो आपको बार्गेन करना पड़ जाता चीज़ों के लिए, अगर प्राइस एग्रीमेंट्स पे देखें तो कौन सा मेथड आपको ज़्यादा फैसिलिटेट करता है,
डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए ज़्यादा वो आप प्राइस एग्रीमेंट पे इजीली पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट सेल के जरिए ज़्यादा इजीली पहुंच जाएंगे, या इंटरनेट के जरिए ज़्यादा इजीली पहुंचेंगे। ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे के सारे जो जो टास्क हैं, आपने देखना कि कौन सा टास्क किस ऑप्शन के जरिए ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। जब आप सारे इसको अवेल्यूएट कर लेंगे, अवेल्यूएट करने के बाद जो फिर आप आइडिया लगाएंगे, यार ये वाला, मैं मिसाल के तौर पे जी इंटरनेट और थ्रू रिटेल स्टोर, ये दो ऑप्शन जो है ना हमें सूट करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये आप लाजमी नहीं कि सारे के सारे यूज़ करें, आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने यूज़ वो करना है जो कि आपके कंपनी की या जो मार्केटिंग की जो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, कॉस्ट के रेलिवेंट भी, प्रॉफिट के रेलिवेंट भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रेलिवेंट भी, कंपनी सेटिस्फेक्शन के रेलिवेंट भी, आपका जो हायर मैनेजमेंट है उनकी सेटिस्फेक्शन के हवाले से भी, वो सारे के सारे गोल्स मद्देनजर रख के आपने जब इसको एवेल्यूएट कर लेना, तो एवेल्यूएट करने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जी कौन सा जो हमारे जो चैनल्स है, मल्टीपल चैनल्स, वो हमें सूट करते हैं हमारे उसके लिए, चैनल्स डिज़ाइन करने के लिए हमें यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट आ गया है जो इस लास्ट फेज है इस चैप्टर का, वो है चैनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है, तनाज़ा, झगड़ा, किसी बात झगड़ा, तो दैट इज समथिंग, दैट बेसिकली तनाज़ा, डिसएग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, आपके जो चैनल्स हैं, आपके जो जैसे मैंने वर्टिकल मार्केटिंग चैनल्स की भी बात की, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग चैनल्स की बात की, आपके जितने भी चैनल मेंबर्स हैं इनके दरमियान डिफरेंट किस्म के जो है ना तनाज़ात जो है वो पैदा हो सकते हैं। इस पोर्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जी पहली बात, कुछ जो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी कन्फ्लिक्ट्स की टाइप कौन कौन सी हैं, उनकी रीजंस क्या हैं और उनको हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ चैनल कन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट, वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट और मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट से मुराद, जैसे अभी वो पहले मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल ले रहा था, कि अब मैकडोनल्ड का जो मैकडोनल्ड का जो रेस्टोरेंट दुबई चौक में है इधर लाहौर मार्केट के पास, वहाँ पे अगर मिसबिहेव किया है किसी जो है वेटर ने किसी कस्टमर के साथ, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट कैट वाले मैकडोनल्ड पे भी आना है। हालांकि वहाँ पे स्टाफ हो रहा है, वहाँ का जो फ्रेंचाइज का जो मालिक है वो बंदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी आना है। तो इसलिए अब वो एक जगह पे मिसबिहेवियर की वजह से उसका बाकी जगह पे जो इम्पैक्ट आना है, इसकी वजह से जो कंफ्लिक्ट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल चैनल कंफ्लिक्ट की एग्जांपल है, क्योंकि वो बेसिकली सेम लेवल पे जो है ना ऑपरेट कर रहे हैं वो दोनों रेस्टोरेंट। वर्टिकल चैनल कंफ्लिक्ट, वर्टिकल चैनल कंफ्लिक्ट से मुराद ये है कि जैसे मैं वो स्टार्ट में बात कर रहा था उसकी, जब पावर्स की बात कर रहे थे, कि सैमसंग ने मोबाइल जूम को अपने वो सेल करने वो कि मोबाइल फ़ोन सेल करे साथ, कि उन्हें ये गिफ्ट भी दें कस्टमर्स को, और अगर वो गिफ्ट नहीं देते तो उनके गिफ्ट ना देने की वजह से, और उन्होंने एग्री किया होता अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं कर रहे, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट। बेसिकली इसमें यह है कि वो सेम लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहे, एक मैन्युफैक्चरर है, दूसरा अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट स्टेजेस के जो है ना वो बिजनेसेस हैं, सेम लेवल के बिजनेस ये या सेम लेवल के चैनल्स ये नहीं है। मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट, मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट से मुराद इसमें यह आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो है चीज़ें जो ऑनलाइन सेल हो रही हैं, ऑनलाइन चीज़ें सेल होने का जो है ना वो वहाँ पे पैकेज ओवर है, जो एक्चुअली कस्टमर से डायरेक्टली चीज़ें सेल हो रही हैं वहाँ पे पैकेज उसका ओवर है उसका। अब कस्टमर जो है वो तो कंफ्यूज है कि मैं यहाँ से परचेज करूँ या वहाँ से परचेज करूँ। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ भी ये है कि चीज़ जो है ना वो अब मैंने फ्रेंचाइज ली किसी जो है ना कंपनी की, मैं उनको अच्छे से पैसे पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने जो ना ये किसी ब्रांड का जो ना मैंने परचेज किया है, बर्तन है घरों के बर्तन मिसाल के तौर पे, अब उनकी मैंने आउटलेट ली है ब्रांड, अच्छा मिसाल के तौर पे, अब मैं जो है ना एक जो बर्तन का एक सेट है मैं वो सेल कर रहा हूँ 2000 रुपये का मिसाल के तौर पे, अब वही चीज़ अब वही राइट कंपनी ऑनलाइन किसी को दे दे वो 2000 की बजाय वो 1800 का सेल करने लग जाए, अब कस्टमर तो जाहिर है वो जहाँ से उसको प्राइस कम मिलेगी सेम क्वालिटी की सेम क्वान्टिटी की, तो वो जो है ना वो ज़्यादा सस्ती वाली परचेज करेगा। अब उसके 200 रुपये कम करने की वजह से, अब ये बेसिकली मल्टीपल चैनल यूज़ हो रहे हैं, एक थ्रू इंटरनेट है दूसरा डायरेक्ट है, अब मल्टीपल चैनल यूज़ होने की वजह से एक चैनल के जरिए और कस्टमर को और ऑफर की जा रही है, दूसरे चैनल के जरिए और ऑफर की जा रही है, तो इस ये जो ये वाला जो कन्फ्लिक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब कि रीज़न क्या है जी चैनल के कन्फ्लिक्ट के,
सबसे पहला है गोल इनकम्पैटिबिलिटी, आपके जो चैनल मेंबर हैं उनके गोल्स ही डिफरेंट हैं। अब मिसाल के तौर पे जो मेरी एज ए मैन्युफैक्चरर मेरा जो गोल है, मेरा गोल ये है कि मैं अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करूँ, अभी चाहे मैं थोड़ा नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े मैं कर लूँ। लेकिन जो दरमियान में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो गोल है उसका गोल है कि मैं अपना करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूँ, लॉन्ग रन में मैं किसी और बंदे की चीज़ भी सेल कर लूँगा, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जब चैनल मेंबर्स के गोल्स आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो एक ये रीज़न भी हो सकती है चैनल कंफ्लिक्ट की। दूसरा है अनक्लियर रोल्स एंड राइट्स। अब इसमें एक है रोल्स वाली साइड, एक है राइट्स वाली साइड। रोल्स ये हैं कि जी आपने जो ये एक चैनल मेंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन में आगे मैं रीसेल कर रहा हूँ, मैं लेके इसकी जितनी भी प्रमोशन है यहाँ पे लोकल बिलबोर्ड्स के जरिए या वगैरह वगैरह जितनी भी प्रमोशन है वो प्रमोशन मैन्युफैक्चरर ने करनी है। लेकिन मैन्युफैक्चरर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी जितने भी प्रमोशन के एक्सपेंसेस हैं वो इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने करने हैं। अब ये रोल्स की जो कन्फ्यूजन है, ये रोल्स भी बेसिकली जब क्लियर नहीं है तो ये भी कन्फ्लिक्ट का बाइस बनते हैं। इसके बाद अगर हम राइट्स की बात करते हैं, राइट्स में ये चीज़ आ जाती है कि जिस तरह फ्रेंचाइज में खासतौर पर यह मसला होता है कि जी मैंने एक फ्रेंचाइज दी है अब्दुल कुदूस को, अब्दुल कुदूस आपने मेरी चीज़ें नारोल में सेल करनी है। दूसरी फ्रेंचाइज दी है मैंने वो नबील को, नबील आपने मेरी चीज़ें जो है ना वो लाहौर में सेल करनी है। तीसरी मैंने फ्रेंचाइज दी है साजिद को, साजिद आपने मेरी चीज़ें जो है ना वो फैसलाबाद में सेल करनी है। अब बेसिकली मैंने इनको इन तीन टेरिटरी के राइट इनको मैंने रिस्पेक्टिवली दे दिए। लेकिन अगर साजिद फैसलाबाद से उठ के चीज़ें आगे लाहौर में सेल करने लग जाए तो नबील उससे नाराज़ होगा, नबील उठ के जो है ना वो नारोल में आगे सेल करने लग जाए तो अब्दुल कुदूस को नाराज़ होगा। बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, एक चैनल मेंबर दूसरे चैनल मेंबर के राइट्स को जो है ना वायलेट कर रहा है, उसके हकूक को वायलेट कर रहा है, ये भी रीज़न बन सकती है। और ये जो प्रोसेस है कि जब आप एक फ्रेंचाइजी दूसरे के फ्रेंचाइज में जाके उसका अपनी चीज़ें सेल करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन होता है किसी और को चीज़ खा जाना, हड़प कर जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। ये चैनल्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। डिफरेंस इन परसेप्शन, डिफरेंस इन परसेप्शन में एक ये चीज़ है, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ये चीज़ कि मैन्युफैक्चरर जो है वो बेसिकली या प्रोड्यूसर जो है उसकी एक पर्टिकुलर मार्केट के हवाले से या किसी पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से और पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका और पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मिसाल के तौर पे अब कोको कोला जो है वो या पेप्सी जो है वो तो कोल्ड ड्रिंक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चीज़ें अब सर्दियों में ज़ाहिर है उसकी डिमांड तो कम होती है। अब कोको कोला जो है या जो पेप्सी जहाँ पे एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही है उनकी कोशिश ये होगी कि दरमियान में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने एजेंसी है हमारी, हम उनको कहते हैं कि आप चीज़ें हमसे मैक्सिमम परचेज करो, ठीक है, हम आपको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आप आगे रिटेलर को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करो, वो मैक्सिमम चीज़ें परचेज करेगा आपसे। अब मैन्युफैक्चरर की ये परसेप्शन है, जो डीलर है या जो एजेंट है उसकी ये परसेप्शन है कि आगे मार्केट में ही डिमांड कम है, मैं जितनी भी चीज़ें सस्ती कर लूँ वो चीज़ें परचेज नहीं करेंगे आगे, क्योंकि उनको चीज़ें रखेंगे काम जब बिकनी नहीं, सस्ती भी दे दूँ जब चीज़ बिकनी नहीं है दो तीन मंथ तीन चार मंथ सर्दियों में, तो जो है ना फिर चीज़ आगे उसकी डिमांड नहीं रहेगी तो मुझे इस चीज़ें स्टोर करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। अब दोनों की जो परसेप्शन डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरर की ओर है तो सस्ती दो बिकेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर की है कि सस्ती दे दो फिर भी नहीं बिकेगी, ठीक है। अब दोनों का परसेप्शन डिफरेंट होने की वजह से इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आ सकता है। इंटरमीडिएट्स डिपेंडेंस ऑन मैन्युफैक्चरर, समटाइम होता है कि जो आपके इंटरमीडिएट हैं, जो मिडल मैन हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर, वो टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर, टोटली मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न बनती है कि जब आपके पास इंटरमीडिएट के पास कोई बार्गेनिंग का पार नहीं है, जैसे आपने हमें पोर्टर फाइव फोर्सेज मॉडल में मैंने आपको पांच फोर्सेज बताए थे ना, उनमें से जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी थी और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर भी थी। अब जब सारी की सारी बार्गेनिंग पावर जो है वो सप्लायर के पास है, कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, क्योंकि वो सारा उसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस पे, इस केस में मैन्युफैक्चरर जो भी चाहेगा उसको उसकी राइट्स को एक्सप्लॉयट कर सकता है, उसको वायलेट कर सकता है, तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट की रीज़न बन सकती है। इसलिए आपको सारे इसका जो आगे जाके मैं बताऊंगा अभी, तो सारी की सारी पावर जो है वो किसी एक पार्टी के पास नहीं होनी चाहिए, कुछ पावर सेलर के पास होनी चाहिए, कुछ पावर आगे डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर के पास होनी चाहिए। अच्छा, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं,
सबसे पहला तो ये है स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन जो है मुराद है कि आपने जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसमें बजाय के लड़ने के खिलाफ करने के आप उनको स्ट्रेटेजिकली समझाएं थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स थ्रू रिसर्च, आप बताएं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उस काम करने का ये फायदा है उसका, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली समझाएं उनको, उनको तसल्ली करवाएं अपने चैनल मेंबर्स के। डुअल कंपनसेशन, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं पहले वो एग्जाम्पल दे रहा था वो बर्तनों की जो है ना 1800 वाली 2000 वाली, उसमें ये एक तो ये करता हूँ कि भाई दोनों जगहों पर सेम जगह सेम जो है वो अमाउंट प्राइस चार्ज की जाएगी। दूसरा, अब जिसने पहले की जो है आउटलेट बनाई उसने इतने पैसे लगाए हुए, और दूसरा आप ऑनलाइन भी किसी को ये अलाउ कर रहे हो चीज़ें सेल करने के लिए, तो आप उसको कहोगे कि सर तो ठीक है जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन सेल होंगी ना, जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें सेल होंगी उसका 1% प्रॉफिट का 1% जो है ना मैं आपको एक साल के लिए देने के लिए तैयार, एक साल तक आपको मैं टोटल सेल का टोटल प्रॉफिट का 1% दूंगा आपको मैं, जो फिजिकल आउटलेट वाला जो बंदा है। अब इसमें ये कि आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं जो कि उसका नुकसान, उसका पॉसिबल नुकसान है, आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की एक ये भी स्ट्रेटेजी है इसको आपके चैनल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। सबॉर्डिनेट गोल्स, आप जो है आपस में डिस्कस करें, एग्री करें कि भाई हमारे जो चैनल्स के जो चैनल जो पूरा मार्केटिंग चैनल सिस्टम है इसके हमारे प्राइमरी गोल ये हैं जो कि हमने मिलकर पूरे करने, और सबॉर्डिनेट के सबसे पहले हमने ये वाले गोल पूरे करने, उसके बाद चाहे आप ये वाला काम करें। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने मार्केट में पेनिट्रेट करना है, ये हमने ये अपने गोल गोल आपस में एग्री करके हमने डिसाइड कर लिए। अच्छा, पेनिट्रेट करने के बाद जो है जी आप चाहे वो चीज़ें तो जो है ना वो किस किस टाइम में सेल करनी है वो आपकी मर्जी है, उसके बारे में आपको जो है ना वो आपके अपने गोल्स हैं उस बारे में आपको मैं गाइड नहीं कर रहा। इस तरीके से आप अपने गोल्स की डिवीजन और क्लैरिटी कर लेते हैं कि आपके जो है ना प्राइमरी गोल्स कौन से हैं और सेकेंडरी गोल्स कौन से हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज में ये आ जाता है कि जैसे अब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर, आप क्या करते हैं कि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैन्युफैक्चरर बताने की कोशिश कर रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए समझ नहीं आ रही, डिस्ट्रीब्यूटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहा है मैन्युफैक्चरर को लेकिन वो एक एग्रीमेंट पर नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम लोग अपने दो तीन बंदे आप कुछ अर्से के लिए जो है ना, अब अच्छा कन्फ्लिक्ट क्या, कन्फ्लिक्ट यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का गाड़ियों की गाड़ी बनाने की कंपनी टोयोटा, टोयोटा का जो डीलर आया गया मिसाल के तौर पर लाहौर में सिटी कार सेंटर के नाम से मिसाल के तौर पर, सिटी कार सेंटर वाले ये कहते हैं कि भाई जो आप जो गाड़ियों में से देते हैं ना उस गाड़ियों के जो जो है इनके जो सिलेंडर्स हैं उनके सिलेंडर्स के अंदर जो है ना ये एक इशू आ रहा है ये वाला, ठीक है, अब कंपनी कहती है ये इशू, कहते हैं ये इशू आ रहा है कस्टमर्स की कंप्लेन करता है। अब टोयोटा मिसाल के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इशू नहीं है, आप अपने पास से कोई बात बना रहे हो या इसको आप एग्जैजरेट कर रहे हो वगैरह वगैरह, और हम लोग तो बिल्कुल ठीक चीज़ बना रहे हैं। अच्छा, वो फिर वो कहते हैं कि जी ऐसा करें कि आप अपने दो तीन एम्प्लॉइज हमें दें, डीलर अपने एम्प्लॉइज दें, वो मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएँ, वो देखें वहाँ पर जाकर चीज़ें कैसे बन रही हैं, कोई मसला उनमें है कि नहीं, मैन्युफैक्चरर जो है अपने दो तीन एम्प्लॉइज डीलर को दें कि आप जो है यार कुछ अर्सा हमारे पास यहाँ पर रह के देखो, ठीक है, तो कस्टमर आके किस चीज़ की कंप्लेन करते हैं सबसे ज़्यादा आके। जब ये एम्प्लॉय एक्सचेंज करेंगे तो दोनों पार्टीज़ को ये अच्छे तरीके से तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार जो है ना कौन सा बंद किसका पॉइंट है वो ठीक है, क्योंकि अब तो अपने एम्प्लॉयज़ बेच के हम लोग तसल्ली करवा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये भी एक मेथड है आपका चैनल्स के कन्फ्लिक्ट को जो है ना वो कम करने का। ज्वाइंट मेम्बरशिप्स भी बेसिकली आपका ये जो है ना उसी के हवाले से है, गोल्स के हवाले से, जैसे हम ऊपर पढ़े थे कि आप लोग जो है ना अपने इस तरह की जो जिन चीज़ों में कन्फ्लिक्ट है अपने गोल्स की क्लैरिटी के वाले से ज्वाइंट मेंबरशिप उस पर गोल्स के सबॉर्डिनेट गोल्स के वाले से मिलता जुलता है। अच्छा, इसमें आगे जो है ना वो कोऑप्टेशन है, डिप्लोमेसी है, मीडिएशन है, ठीक है, और सबसे पहले मैं लीगल रिसोर्स बता दूँ उसके बाद में ऊपर वाले बता देता हूँ मैं आपको, मैं क्योंकि ये जो डिप्लोमेसी, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन है ये कोऑप्टेशन के जो है ना वो हैं उसी के आगे टाइप्स हैं। लीगल रिसोर्स है कि जब आपके चैनल आपका कंफ्लिक्ट किसी भी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आपके पास जो लीगल राइट हैं आप कोर्ट में जाके आप जो है ना वो कह सकते हैं कि कोर्ट में अपना मुद्दा रखें, कोर्ट जो उसका डिसाइड करे वो लीगली फिर आप पावर्ड उसको मानने के लिए। अच्छा, ये जो डिप्लोमेसी, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन है ये बेसिकली चीज़ें कोऑप्टेशन से मुतलक ही हैं या उसी की अगर टाइप है जिसमें आप आपस में कोऑपरेट करके आपस में जो है ना किसी एक सेंसेस पे आप एग्री कर लेते हैं। डिप्लोमेसी ये कि
एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी से जाके चीजें डिस्कस कर लेता है, और या मिल बैठ कर किसी एक दरमियानी रास्ते पर निकल आते हैं, एक पार्टी के बंदा दूसरी पार्टी से जाके डिस्कस कर रहे हैं। मीडिएशन, मीडिएशन ये चीज है कि आप दरमियान में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, थर्ड पार्टी को कहते हैं कि यार आप आओ, ठीक है, आप जो है ना वो हमारी दोनों के मुद्दे सुनो आके, ठीक है, या क्योंकि ये मुद्दे नहीं सुनाता वो, आप दोनों को आगे समझाता है, दोनों को आगे समझाता है आपको जो मीडिएटर है कि यार आप ये कह रहे हो वो ये कह रहे हो, ऐसे थोड़ी बात उसकी मान लो, थोड़ी बात अपनी मान लो, ठीक है। वो बेसिकली आगे ना दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं मीडिएशन, बोलते हैं इस प्रोसेस को, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट कम करने का जो ना सोर्स है। इसके बाद है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन ये होती है, फिर ये तीन ये भी मिलते जुलते हैं मीडिएशन से, उसमें है कि अब इसमें ये लीगल आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट को, किसी सियाने बंदे को, किसी फील्ड के बंदे को, जिसपे दोनों पार्टी जिनका कन्फ्लिक्ट है दोनों का एतमाद हो, आप दोनों अपने अपने फैक्ट एंड फिगर्स, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको पेश कर देते हैं, फिर वो जो भी फैसला देता है आप लोग बाउंड है उसकी बात मानने को। मीडिएशन के केस में आप बाउंड नहीं है उस मीडिएटर की बात मानने को, वो सिर्फ आपसे अपने जो है ना वो रेफरेंस के बेस पे या अपने वो जो है ना वो ताल्लुक के बेस पे आपको सिर्फ कन्विंस कर सकता है, लेकिन आप बाउंड नहीं है। लेकिन आर्बिट्रेशन में जब आपने एक सालिस को चूज कर लिया दोनों पार्टीज ने, तो कल को वो जो भी फैसला करता है वो फैसला जो है ना वो आप लोगों को मानना पड़ेगा। फिर ई कॉमर्स, आई बिलीव आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे या आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि ई कॉमर्स ये अच्छा चैनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की छोटी छोटी स्लाइड है, ई कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसकी बिजनेस की वो थ्रू इंटरनेट जो होती है उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा। इसमें जो है ना प्योर क्लिक से मुराद आप अपना जितना भी बिजनेस है टोटल का टोटल आप इंटरनेट पर करते हैं उसको प्योर क्लिक बोलते हैं, आपका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपका, और ब्रिक एंड क्लिक के आपके जो ऑनलाइन भी चीज़ें सेल कर रहे हैं साथ आपका जो है ना वो स्टोर्स भी हैं। ये पहले आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं जो है ना इसको इतना डिटेल से नहीं बता रहा। एम कॉमर्स, एम कॉमर्स उसी के साथ मोबाइल पर जो आपको प्रमोशनल मैसेज आते हैं डिफरेंट कंपनीज के, शूज़ की कंपनी भी हो सकती हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज भी हो सकती हैं, ये जो उनका जो है वो एक्टिविटीज हैं बिजनेस रन करने की उसको हम लोग एम कॉमर्स बोलते हैं।